हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों, स्वागत करता हूँ सभी का वाईफाई स्टडी पार्ट फन एकेडमी पर। हाउ आर यू फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों, स्वागत करता हूँ सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पार्ट फन एकेडमी। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट जो था वो दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट बता दिया था, हमने कवर कर लिया था। अब जैसा कि आपने कमेंट करके बताए थे मेरे को कि सर आप मेडिवल हिस्ट्री बाद में स्टार्ट करना, पहले एंशिएंट मतलब प्राचीन भारत का जो इतिहास आता है उसको आप पहले स्टार्ट करना और फिर आप मेडिवल बताना। तो देखिएगा दोस्तों, जैसा कि आपने बताया वैसे ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे और उसके बाद में मध्यकालीन भारत का जो इतिहास आता है जिसमें आपके दिल्ली सल्तनत आता है और मुगल एम्पायर जो मुगल साम्राज्य जो था उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन प्राचीन भारत के इतिहास में हमारे लिए क्या क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आज हम वो जानने वाले हैं। तो आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास जो है ये दोस्तों रखी गई है प्राचीन भारत के इतिहास को लेकर के। यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बात अगर की जाएगी, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं क्या क्या हमारे टॉपिक यहाँ पर रहने वाले हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अगर प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो प्राचीन भारत और एंशिएंट इंडिया का इतिहास जो है, प्राचीन भारत का जो इतिहास आता है इसकी अगर बात की जाएगी तो इसमें क्या क्या मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा यहाँ पर करने वाला है। तो देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा प्रागैतिहासिक काल की अगर बात की जाएगी, प्रागैतिहासिक काल जो आता है इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। जैसे आपका पूरा पाषाण काल क्या था, साथ में पूरा पाषाण काल की अगर बात की जाएगी इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो। और फिर दोस्तों आपके यहाँ पर मध्य पाषाण काल आता है, फिर दोस्तों नव पाषाण काल हुआ, ये सारी बातें जो हैं हम इसमें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जैसे पूरा पाषाण काल की बात मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, मध्य पाषाण काल के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और साथ में आपका नव पाषाण काल जो आता है उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। साथ साथ में अलग अलग एरा जो हुए, जैसे लौह युग की बात आती है, साथ में आपके ताम्रपाषाण संस्कृति की बात अगर की जाएगी, ताम्रपाषाण संस्कृति क्या थी इसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये सारी बातें, इंपॉर्टेंट बातें जो आती हैं ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ प्रागैतिहासिक काल की बात अगर की जाएगी। फिर नंबर दो पर जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों प्रागैतिहासिक काल के बाद में आपके प्राचीन भारतीय इतिहास जो आता है, प्राचीन भारतीय इतिहास जो है उसके जो प्रमुख स्रोत आते हैं, अपने को जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक तो नहीं, हालांकि यहाँ से इन वाले टॉपिक से आजकल कम क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। प्रमुख स्रोतों की अगर बात की जाएगी तो जो आपके प्रमुख अभिलेख जो अपने को यहाँ से प्राप्त होते हैं जिनसे अपने को प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, तथा साथ में ही आपके यहाँ पर सिक्कों से संबंधित जो सिक्के जो प्राचीन काल के प्रचलित शासकों के द्वारा किए गए, या फिर जिस किसी भी संस्कृति के सिक्के अपने को यहाँ से प्राप्त होते हैं जिनसे अपने को प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तथा जो साहित्य अपने को यहाँ से प्राप्त होता है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं इस वाले टॉपिक में। प्राचीन भारतीय इतिहास के जो प्रमुख स्रोत आते हैं, वैसे हम ये कह सकते हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रमुख साहित्य के बारे में भी हम यहाँ पर साथ साथ में चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, दो टॉपिक हैं, थोड़े से बोरिंग भी हैं लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि इनमें से अगर कोई प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो बिल्कुल आप बेहतरीन तरीके से उसको अच्छे तरीके से याद करके उसको सही कर सकते हो। अब चर्चा करते हैं, दो इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन यहाँ पर आती हैं आपके, हड़प्पा सभ्यता काफ़ी इम्पोर्टेंट है हड़प्पा सभ्यता, और इसी हड़प्पा सभ्यता की अगर बात की जाएगी इसी को आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता इसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले खोज किसके द्वारा की गई और इसकी खुदाई का कार्य किसके द्वारा किया गया, इम्पोर्टेंट साइट जो इसकी आती है, महत्वपूर्ण स्थल, और इन महत्वपूर्ण स्थलों से अपने को किस किस के बारे में जानकारी, मतलब कहाँ कहाँ से अपने को क्या क्या एक्सक्यूवेशन में या खुदाई के दौरान अपने को प्राप्त होता है इसकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। और इनका ट्रेड जो था, व्यापार जो था, क्या अदर जो इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन सिमिलर जो आपके समकालीन
कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन जो आती हैं उनके साथ में क्या लोग ट्रेड किया करते थे या नहीं किया करते थे, यहाँ की सोसाइटी जो थी, समाज जो था, ये किस प्रकार का था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सभ्यता है। और यहाँ से अमूमन एक प्रश्न जो है आपसे पूछ लिया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल से यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपके यहाँ पर एक टॉपिक और रहेगा जिसका नाम आता है वैदिक सभ्यता, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है वैसे तो, लेकिन हड़प्पा में से क्वेश्चन ज़्यादा आने का चांस रहता है, तो इसको बेहतरीन, दोनों ही सभ्यता वैसे तो हम बेहतरीन ढंग से करेंगे, लेकिन मेरा ये प्रयास रहेगा जितने भी मैं टॉपिक आपको यहाँ पर कवर कराऊँ वो आपको घर बैठे ही याद हो जाएँ। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो प्राचीन भारत के इतिहास से जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है 16 महाजनपद, ये मैंने आपको कभी नहीं पढ़ा है, इस बार हम इसको पढ़ने वाले हैं। और 16 महाजनपद एवं मगध का जो उत्कर्ष हुआ, मगध साम्राज्य की बात अगर की जाएगी जो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट साम्राज्य आता है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तथा साथ में दोस्तों बाद में मौर्यन एम्पायर आता है, मौर्य साम्राज्य, तीन महत्वपूर्ण शासक अपने को यहाँ पर मौर्य साम्राज्य में देखने को मिलेंगे, आपके चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फिर दोस्तों आपका एक टॉपिक और आता है मौर्य संस्कृति के बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो आपका मौर्योत्तर काल, मौर्य साम्राज्य के बाद जो काल आता है मौर्योत्तर काल, उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, इसी प्राचीन भारत के इतिहास में ही हम इसमें चर्चा यहाँ पर करेंगे। फिर दोस्तों आपका संगम एज आता है, संगम काल की बात अगर की जाएगी, संगम काल के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फिर आपका गुप्ता काल, गुप्त साम्राज्य जो आता है, गुप्त साम्राज्य की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। दोस्तों श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त, फैज, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्तद्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, जितने भी आपके यहाँ पर गुप्त साम्राज्य में महत्वपूर्ण शासक हुए उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और साथ साथ में दोस्तों मैं आपको दो धर्म, जैनिज्म की अगर बात की जाए, जैन धर्म और साथ में आपका जो बौद्ध धर्म आता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट अपने लिए टॉपिक हो सकते हैं क्योंकि यहाँ से भी आपसे प्रश्न जो है दोस्तों पूछा जाएगा। तो ये वे सारे टॉपिक हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है, हमें चर्चा करनी है। और मेरा ये प्रयास रहेगा मेरे प्यारे मित्रों कि जो भी टॉपिक हम यहाँ पर कवर करेंगे एक बेहतरीन ढंग से आपको मैं इतने अच्छे ढंग से कवर करवाने का प्रयास करूँगा कि आपके एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपके लेवल तक की अगर हम बात करेंगे तो। दोस्तों काफ़ी वैसे तो मैंने आपको बता दिया पूरा, लगभग जो प्राचीन भारत का इतिहास आता है उसको पूरा कवर करने का प्रयास मेरे द्वारा यहाँ पर आपके किया जाएगा। ये वे सारे टॉपिक रहने वाले हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों कल से हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा आपके यहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रागैतिहासिक काल जो आपका आता है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नव पाषाण, फिर आपके लौह संस्कृति आती है, ताम्रपाषाण संस्कृति आती है, ये वाला टॉपिक मैं आपको सबसे पहले कवर करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों जो जिसकी उम्मीद आपको कई दिनों से थी कि कोर्स नहीं ये चल रहा है, मिडिवल इंडिया भी हम इसके बाद में करने वाले हैं क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री, वैसे तो मैं आपको सबसे पहले बता चुका था मेरे प्यारे मित्रों कि मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट जो है वो आपका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, आपके चाहे पुलिस की एग्जाम की बात करें या फिर पटवारी के एग्जाम की बात करें, जो आपके टॉपिक दिए गए हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री में से ही अधिकतर आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन आपके प्राचीन भारत से और मध्यकालीन भारत के इतिहास से पूछे जाएंगे। तो कल शाम को इसी वक्त 6 बजे हमारी क्लास रहेगी, आप आज सभी दोस्तों के साथ जितने भी आपके ग्रुप हैं उनके साथ सबके साथ शेयर जरूर कर देना कि कल से रेगुलर क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आज इंट्रोडक्शन क्लास जो थी ये दोस्तों रखी गई थी आपको ये बताने के लिए कि हम इस वाले पार्ट में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को एक बार। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता ही होगा लॉकडाउन की स्थिति अपने भारत में चल रही है कोरोना को लेकर के, कोरोना महामारी जो केवल ना कि अपने देश में बल्कि विश्वव्यापी बीमारी हो चुकी है, ये चाइना से फैलना शुरू हुआ मामला और फिर समूचे विश्व को अपनी जद में इसके द्वारा लिया गया। तो आप बिल्कुल घर पे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई जो है ये बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि लॉकडाउन अब जैसे ही कोरोना में आपको पता है कंट्रोल किया जाने का प्रयास जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और आपके स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, जैसे ही ये कंट्रोल हो जाएगा उसके बाद में लॉकडाउन आपका खुलेगा और उसके बाद आपके एग्जाम जो है ये ऑर्गेनाइज यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा करवाए जाएंगे। तो कंटिन्यू कीजिएगा तैयारी, बहुत अच्छे तरीके से आपको करनी है और मस्त रहेगा, बिंदास रहेगा, सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़िएगा। ओके दोस्तों, बाय एंड टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा,
शेयर जरूर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पे नए हो अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा। कल से इसी वक्त हमारा ये सेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा, कंटिन्यू उसको जरूर कीजिएगा। और आज के लिए बस इतनी ही महत्वपूर्ण जानकारी इंट्रोडक्शन क्लास रखी गई थी। थैंक यू सो मच।